to the standard costing class. So today we will do the question number 9. Calculate variances from the following. ता माने पिलाना overall आपको सब जगह variance calculate करेगा कोई ना. सेठे material variance भी calculate करेगा कोचे, labour variance भी calculate करेगा कोचे, आउ इटा material और labour और last. तापरे overall variance start करेगा next class में. हेलो पिलाने. तो standard data आउ actual data दे देना कोचे ना पूरा easy, कोचे ने किसी difficulty ना ही. किंतु ए क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपको 9 नंबर क्वेश्चन ए क्वेश्चन हमें कौन करेगा ना डीटा मैट्रिक और लेबर डीटा का वेरिएंस करता है ना मटेरियल 1 2 3 4 1 2 3 4 फर्स्ट का मतलब क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट बस स्टैंडर्ड प्राइस actual quantity into actual price actual quantity into standard price revised actual quantity into standard price hela mu first kochu pilana material variance mu kadu chebe material variance ta pore ame kadiba labor variance bhi to material avo kon achi material achi a b c material achi a b c tini prakar material achi amaro total A, B, C. देखो पिला हमने A रो स्टैंडर्ड देला 400 यूनिट एट रेट 50, B रो देला 200 यूनिट एट रेट 20, C रो देला 100 यूनिट एट रेट 15. तो हमारे टोटल इनपुट आमर कितने है वाला? 400, 200, 100 में से 700 है वाला. एक्चुअल रो क्या देला? 420 एट रेट 45, 240 एट रेट 25, 90 एट रेट 15. माने 750 यूनिट. ता माने इनपुट आमर एक्चुअल अलगा स्टैंडर्ड अलगा सेथरे आमर किछ असुविधा नै आमे देखिबा पूरा लास्ट देखो सेथरु नॉर्मल लॉस 25 जाय के स्टैंडर्ड रे आउटपुट आसले बिले माने 675 ठीक छै एक्चुअल रे आउटपुट आसला 675 तो आमर स्टैंडर्ड आउटपुट भी 675 एक्चुअल आउटपुट भी 675 जति स्टैंडर्ड आउटपुट गोटे नोट पिला हम तुम को जे सबोले नोट का मन रखिबो नोट इफ इफ एक्चुअल आउटपुट actual output is equal to standard output if actual output is equal to standard output then adjustment is not required for normal loss पिला हमें मतलब दियो जति हमरो एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट समान हे गला ताले नॉर्मल लॉस पई किछि एडजस्टमेंट दरकार नाही क्वेश्चन रे जहा जिमि देखि सिमि लिख दवा इफ एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट देन एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल लॉस पई हमर किछि करिया दरकार नाही एबे देखु पिला हम सब दे दिछि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए मतलब केते 400 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस देला 50 is equal to B of the 200 into 20, C of the 100 into 15 is equal to कितना हो ची ना इड़ा हो ची 20,000 इड़ा हो ची 4,000 इड़ा हो ची 1500 टोटल कितना सिला टोटल सिला 25,500 टोटल सिला 25,500 तापर एक्चुअल भी दे दीजिए कैसे ची 420 into 45 बी अब कैसे ची क्या है बी अब दे दीजिए 240 into 25 सी अब कैसे ची 90 into 15 सी अब दे दीजिए क्या है 90 into 15 कैसा आसला एक्चुअल बोला क्या एक्चुअल बोला 18,900 यार कैसा आसला 6,000 यार आसला क्या 6,000 0 is 19 to 15 1350 तो टोटल के का सका 26250 हैला ता माने हम कौन दे दी थी हम लोग डेटा में सो दे दी थी एक्चुअल ऑफ करना का पूरा क्लियर दे दी थी किसी कैलकुलेटर में पड़े हुए तो एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल पर दे दे 420 बी और 240 0 90 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना 50 20 15 is equal to कितने
420 into 50 is equal to 21,000. 240 into 20 is equal to 4,800. 90 into 15 is equal to 1,350. Hello, so necessary comes in 1,350 plus 4,800 plus 21,000 is equal to 27,150. Hello, so I think that one calculation of RAQ, actual quantity in a standard proportion, RAQ. Actual quantity in standard proportion, actual quantity is equal to, actual quantity is there, 420 plus 240 plus 90 is equal to 420 plus 240 plus 90 is equal to 750. Actual quantity 750. Standard proportion is equal to AWR for 400 is to 200 is to 100 is equal to 4 is to 2 is to 1. Hello. Therefore, RAQ of A is equal to 750. Actual quantity 750 into 4 by 7 into 4 by total 7. So 750 into 4 by 7 is equal to 428.57. B is equal to 750 into 2 by 7. 750 into 2 by 7, 750 into 2 divided by 7 is equal to 214.28. C is equal to 750 into 8 by 7 is equal to 750 divided by 7, 107.14. Okay, so pila nishya amar kon asila RAQ asila. RAQ kete asila 428.57, 214.28 by 29, 107.14. So okay, 428.57 R 214.28 R 107.14 into standard price. Standard price is 50-20-15 is equal to KTFC 21-21-429 separate 214.28 into 20 is equal to 4289. Then 1607 is equal to 27,325. Hello. So, 1, 2, 3, 4 asalam. Ebe kariba. Material cost variance of data. Kona? Material price variance, material usage variance of data, material mix variance, material yield variance. So, it is 1 minus 2, it is 1 minus 3, it is 1 minus 4, it is 3 minus 2, it is 4 minus 3. 1, 2, 3, 4 अच्छे मिला होगा तो हमें निजे निजे कैलकुलेट कर दे पा रहे हो। हैलो, 1, 2, 3, 4 तमों सबको कैलकुलेट करा है गला, निजे निजे कैलकुलेट करो।
हैला प्लीज नोट इट लिख दियो तापर आपन लेपर वेरिएंस कर जा हैला बेला हमें वेरिएंस कर दो एमिनिंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल 1 माइनस 2 तापर मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू 4 माइनस 3 मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू 1 माइनस 4 हैला ए फॉर्मूला जको तापर एटा होचे 1 2 3 4 नंबर आछी कर दो हैला हैला बिना ने लिबे ये तापर देखे लेबर वेरिएंस लेबर वेरिएंस सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 मटेरियल वेरिएंस ला एबे देखे लेबर वेरिएंस लेबर कौन कौन अछंदी मेन अछंदी आउ वुमेन अछंदी टोटल लेबर मेन ऊपर अछंदी 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3, 4 Standard hour into standard rate Actual hour into actual rate Actual hour into standard rate Revised actual hour into standard rate Hello, my name देखो, एक्षिरे बीटी का आवर देख्षे होली कोले कौन देख्षी ना आउटपुट एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट सेम होची सेम टेबल रे तो हमको स्टैंडर्ड और एक्चुअल सब डाटा दे देला स्टैंडर्ड का देला स्टैंडर्ड देला 100 आर एट रेट 2 स्टैंडर्ड देला 100 इनटू 2 इज इक्वल टू 200 उमेन देला 200 इनटू 1.5 200 इनटू 1.5 इज इक्वल टू 300 माने टोटल असला 500 टोटल असला 500 तापर एक्चुअल के देला एक्चुअल देला 120 120 आवर एट द रेट 2.5 120 into 2.5 એટલે કેટલા આવશે 300 તાપર દેલા 240 into 1.6 240 into 1.6 is equal to 384 is equal to 384 total આસલા 684 total આસલા 684 तापर मिला हमें अब बाकी समझ में आना आराम से कैलकुलेट कर दो एक्चुअल जो दे दिया हमने बाकी सब हमें कैलकुलेट कर दो एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर बोला 120 240 एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट कितने मिला हमें 2 इनटू 1.5 इज इक्वल टू 600 तापरे RAH वर्किंग ऑन वन कैलकुलेशन ऑफ RAH एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन तो एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माने कौन है एक्चुअल आवर देखी एक्चुअल आवर is equal to 120 plus 240 is equal to 360 standard proportion is equal to 100 is to 200 is equal to 1 is to 2 100 is to 200 equal to 1 is to 2 hello pilamane to dekho eba main therefore revise actual RH of men is equal to men का कितना मिला हमें 100 कुड़िये sorry missing read रहा है men का कितना 360 into men का ratio is 1/2 into 1/2 is equal to 120 women equal to 360 into 2 by
1/3 ग्रामर रेशियो 1:2 माने देखो टोटल 360 को 1:2 रे बांट देगा 360 into 1/3 360 into 2/3 is equal to 240 r ता माने एक्चुअल आवर जहा हासिला के माने एक्चुअल आवर जहा हासिला रिवाइज एक्चुअल आवर भी ता हासिला 120 into 240 ता कारण कोन ता कारण के माने एक्चुअल आवर ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन रे का छि स्टैंडर्ड को 1:2 एडा बे देखे 120 रे गुस्ट छि एडा भी 1:2 रे सोले का छि जति एक्चुअल क्वांटिटी दा स्टैंडर्ड रेशियो ऑलरेडी थिबो ताहले हम आरएच काल भी सेम एक्चुअल आवर से समान हो कि सलगा हबनी ता माने कोन आसे माने आरएच इनटू स्टैंडर्ड रेट कोडा ता 2 1 2 1.5 2 1.5 ता माने 120 रे 240 1.5 360 आसेला 600 ता माने डेटा सेम से आसे कि माने डेटा सेम से आसे माने गुटे वेरिएंस के हमर 0 प्लस हो गुटे वेरिएंस के हमर कोन पास हो 0 प्लस हो तो देखो बे कोन किन कोन थबा लेबर कॉस्ट वेरिएंस तार डेटा लेबर रेट वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस रो डेटा कोन डेटा ना लेबर मिक्स वेरिएंस लेबर यील्ड वेरिएंस 1-2 1-3 1-4 3-2 4-3 हला कैलकुलेट कर दो छोटे लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 1-2 इज इक्वल टू 1 केते 500 1 500 -2 684 इज इक्वल टू 184 एडवर्स 184 एडवर्स तापर लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू 3-2 इज इक्वल टू 3 केते 3 होजी 600 -2 2 होजी 684 600 -684 3-2 इज इक्वल टू 84 एडवर्स 84 एडवर्स तापर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1-3 इज इक्वल टू 500 -600 इज इक्वल टू 100 एडवर्स लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू 4-3 4-600 -3-600 इज इक्वल टू 0 0 डा एडवर्स नहीं के फेवरेबल नहीं तापर लेबर यील्ड वेरिएंस 1-4 इज इक्वल टू 500 -600 इक्वल टू 100 एडवर्स ए डेटा आ सब पिला माने लास्ट डेटा बहुत बडी अलग आसी कायना से रिवाइज एक्चुअल आवाटा क्वाड कोन करके भूलबाल करी देछि से पे एडा बहुत अलग आसी ए डेटा बहुत सा समान आसी त किछ असुविधा नै हैला चली गेलो को किछ नो प्रॉब्लम ऑन दैट म जेबिते कोसे से मिले करबो या से तो क्वेश्चन नंबर 9 से तो पिला माने तमरो मटेरियल आ लेबर रो मटेरियल आ लेबर रो वेरिएंसेस सल्ला तापर आउ डेटा पिला फिक्स्ड वेरिएबल आउ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड आउ सेल्स ये तीन देखो नेक्स्ट क्लास को करबा हैला थैंक यू वेरी मच